हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। आज हम क्लास 8 का सामाजिक अध्ययन का पहला लेसन इतिहास का कैसे, कब और कहां के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा? रेनेल। पुराने विज्ञापनों से क्या समझने में मदद मिलती है? नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए? इतिहास लेखन में कुछ तारीखों को अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? विशिष्ट घटनाओं के कारण। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1873 में। भारत के गवर्नर जनरल का सही क्रम बताइए। हेस्टिंग्स, विलेजली, बेंटिक, डलहौजी। हम इतिहास को टुकड़ों में क्यों बांटते हैं? हर अध्याय में सामंजस्य बनाने के लिए। जेम्स मिल कौन थे? अर्थशास्त्री व दार्शनिक। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक कब लिखी? 1817 में। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? 3 कालखंडों में। जेम्स मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश भारत का इतिहास में भारतीय इतिहास को कौन से 3 कालखंडों में विभाजित किया? हिंदुस्तान, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल। जेम्स मिल के इतिहास विभाजन में कौन सा कालखंड शामिल नहीं था? सिख काल। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कौन से कालखंडों में बांटा? प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। इतिहासकारों का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सरकारी रिकॉर्ड्स। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए क्या बनवाया? अभिलेखागार। प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों तथा ज्ञापनों को कहाँ देखा जा सकता है? अभिलेखागारों में। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1920 के दशक में। अंग्रेज अधिकारियों की भारतीयों के प्रति सोच के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है? अभिलेखागारों से। ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं पता चलता? देश के दूसरे लोग क्या सोचते थे? अंग्रेजी शासन को भारत में क्या नाम दिया जाता है? औपनिवेशिक शासन। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने किस चीज़ का सहारा लिया? सर्वेक्षण का। प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कब आरंभ हुई? 18वीं सदी के आखिर से। अंग्रेजी शासन ने किस प्रकार के सर्वेक्षण किए? उपरोक्त सभी, यानी वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी। गाँव में किए गए राजस्व सर्वेक्षण में किन किन बातों को शामिल किया जाता था? उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन राइट हैं। धरती की सतह व मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के बारे में, स्थानीय इतिहास व फसलों के बारे में। राइट आंसर उपरोक्त सभी। देश के विभिन्न भागों में चल रहे आंदोलनों का पता कैसे चलता था? समाचार पत्रों से।
शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 1948 में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।